नमस्कार विद्यार्थी निवेदन सोलमा पाठ में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध ये पाठ में आगे आप जोशो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दोड़े मालाएं लेकर स्वागत करते। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दोड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुबोध। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराए के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसे स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। अपना विवेकानंद नी बात अहीं करवामां आवी छे के तेओ ज्यारे अमेरिका जई अने नाम कमाई आव्या त्यारे एना स्वागत माटे भारतीय लोगो दौड़िया। एवी ज रीतना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पण नोबेल पुरस्कार मळी गयो, त्यार पछी बंगाली लोगो छे ए बधा खूब ज बोलवा लाग्या एनी पोतानी भाषामां के आ तो अमारो सुपुत्र छे, बहु होशियार छे। एवी ज रीतना दक्षिण भारतमां भरतनाट्यम अने कथकली आ त्यांनी संस्कृति छे, ए ज्यारे विदेशमां मान मेळवा लाग्यो कथकली अने भरतनाट्यम, त्यारे ए लोकोने एनी किंमत समझाई कि आ तो आपणी खूबसूरती कहेवाय, आपणी पहचान कहेवाय, आपणी शान छे। लोको पोताना सौंदर्य ने भूली जाय छे अने बीजाना सौंदर्य ने मोहे छे। एक मैक्स मुलर नामना वैज्ञानिक थई गया, एने जीवन भर प्रार्थना करी भारत मा अभ्यास माटे नी, पण अहीं तो लोको एवा छे के विदेश भणवा जाओ एटले कोई स्वर्ग नु सुख मळवानुं होय, एवी स्वर्ग ना सुख जेवी प्रार्थना विदेश जईने भणवानी करता होय छे। खरेखर तो आखा विश्वमां आटलो सुंदर देश मात्र भारत ज छे, बीजे क्यांय नथी। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए, उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में वह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचने
पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार के चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। एक वक्त एवं बन्यू के सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ए मुंबई आया हता अने विश्वना बधाज पहलवानो कुश्ती मां पोतानी कुशलता चैलेंज बतावानी हती। बधाज छापावामां छपाई गयुं हतुं अने अपना भारतना पहलवान ए पण त्यां पहोंच्या। त्यारे एक पत्रकारे एने पूछ्युं के भाई साहेब तमे तो तमारो जे शिष्य लड़वानो छे ए तमे लड़ीने बतावी दियो। त्यारे एम कह्युं एने के हूँ लड़ू के मारो शिष्य लड़े, बन्ने मां कोई प्रकारनो फरक छे नहीं। आवुं तो तमारा देशमां चालतो हशे पण अमे तो हिंदुस्तानी छीए, अमारा देशमां आवा भेदभाव न होय। मारा करता पण मारो शिष्य वधारे नाम कमाए एवी आशा राखनारा अमे छीए, कोई पण प्रकारनो भेदभाव अमने न चाले। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हेवान ईशा का एक कथन
सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे नहीं कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। अपने आगर पेज नंबर 74 सुधी नु ए तमारी नोटबुक मा दरेक विद्यार्थी नी बहनो ए शब्द संरचना मा आगर करवानु छे। 74 सुधी पूर्ण करी लेजो, त्यार पछी एनु स्वाध्याय लखवानी सूचना आपीश। नमस्कार।